हाय फ्रेंड्स, ये पफ द फिश है और आज मैं पफ द फिश कड़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें फिश को हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं और इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और फिश को अच्छे से मैरिनेट करूंगी। 5-7 मिनट इसको हल्दी और नमक लगाकर रख देंगे और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म होने पर अब हम इसमें डालूंगी सरसों का तेल। तेल को हाई फ्लेम में अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। ताकि फिश जब हम फ्राई करेंगे तो इसके साथ चिपक ना जाए, तो इसके लिए मैंने इसमें नमक डाल दिए थोड़े से। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और एक एक करके फिश को फ्राई करेंगे। और ये फिश डालते ही बहुत जोर से पकता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ढक्कन लगा लेंगे। एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे पलट देंगे। 2-3 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे और अब हम फिश को पलट देंगे। प्रोसेस में हम दोनों साइड से सभी फिश को फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई हो चुका है, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, हल्का लाल करके फ्राई करना है। तो सारे फिश को हमने फ्राई कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, एक बात है, फिश फ्राई करते वक्त अगर तेल का छींटे लग जाए, जैसा कि मेरे यहाँ और यहाँ पर तेल के छींटे लग गए, तो मैंने कोलगेट लगा लिए। कोलगेट लगाने से इसमें छाले नहीं पड़ेंगे, दाग धब्बे भी नहीं आएंगे, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। अब मैं इसी तेल में बड़ी को फ्राई करूँगी। और इसे निकाल लूँगी, तो थोड़ा सा और तेल डालूँगी। 1/2 चम्मच कलौंजी डालूँगी और इसमें डालूँगी बैंगन और आलू। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच या 1 चम्मच अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 4 हरी मिर्च डालूंगी। और इस मसाले को अच्छे से आलू का साथ थोड़ा सा पकाऊंगी। 1-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। इसमें पानी,
यहाँ मैंने करीब 2 ग्लास की तरह पानी डाल दिया है और इसमें उबाल आने पर हम इसे ढक देंगे। इस तरह से फिश करी को बनाइए और चावल के साथ जरूर ट्राई करें। और अब हम इसे ढककर गैस का फ्लेम लो में कर देंगे और इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5-7 मिनट बाद चेक करेंगे। आलू बॉयल हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी फिश को और बड़ी। गैस का फ्लेम बढ़ाऊंगी और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। हाफ चम्मच यहाँ आटा लूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें और इसे अच्छे से घोल बनाना है। ये कढ़ी थोड़ा पतला होता है तो इसमें थोड़ा सा आटा का घोल डालने पर ये ठीक से सेट हो जाता है और इसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसे डालना ज़रूर है। और फ्रेंड्स, इसमें आप धनिया पत्ता ज़रूर डालें। आज मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ज़रूर डालना है। गैस का फ्लेम लो करूँगी और 2 मिनट के लिए इसे ढककर फिर से पकाऊँगी। 2 मिनट बाद चेक करूँगी और हमारा फिश करी तैयार है। फ्रेंड्स, इस तरह से फिश करी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।